नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस और राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बड़ा संग्राम छेड़ने का क्या मन बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी उनकी नागरिकता के पीछे पड़ गई। 19 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, क्या केंद्र सरकार ये कह देगी ये ब्रिटिश नागरिक है। बड़ा फैसला 19 दिसंबर को होने जा रहा है। बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी है। अभय द्विवेदी से मैंने इसके विस्तार से बात करी कि राहुल गांधी की राजनीति पे क्या वास्तव में एक बड़ा ग्रहण लगा सकती है बीजेपी, राहुल गांधी की लोकप्रियता को खत्म करने की प्लानिंग कर सकती है बीजेपी और क्या खेल है। इसके अलावा मैंने ये जानना चाहा कि जो हरियाणा जैसा चुनाव आयोग ने खेल महाराष्ट्र में खेला, वोटों में, मतदाताओं में और भ्रम की स्थिति जो पैदा की, उसके पीछे की गणित क्या थी, झारखंड में लागू क्यों नहीं हो पाई। और मैंने जानना चाहा कि गडकरी का क्या होगा महाराष्ट्र की इस राजनीति पर। बहुत रोचक बातचीत है, बहुत अच्छी बातचीत है। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति आ गई, मतलब सरकार तो बनी रही है उनकी, लेकिन चुनाव आयोग के लफड़े खत्म नहीं हो रहे। ये जो वोट प्रतिशत का खेल खेला गया था हरियाणा में, वही अब साफ आ रहा है कि राजीव कुमार की वही कृपा महाराष्ट्र में बढ़ती है। लास्ट के जो वोट पड़े थे वो बाद तक बढ़ते चले गए, वो प्रतिशत बढ़ता चला गया। लेकिन अगर ये बात मान ली जाए कि लास्ट में ये लोग बढ़ा देते हैं, काउंटिंग में जितने वोट पड़ते हैं उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिर मेरी समझ में या आम आदमी की समझ में ये एक सवाल सामने आता है, जहन में उठता है, फिर ये फार्मूला झारखंड में क्यों नहीं लगाया। झारखंड में भी प्रधानमंत्री जी कटोगे बटोगे और आदिवासी की बहू बेटियों तक सब तक उतरते रहे, तो ये मत बढ़ाने वाला फार्मूला झारखंड में क्यों नहीं लगाया गया। और आपको लगता है कि कुछ तो हुआ है, झोल है महाराष्ट्र में, नतीजे किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं आ सकते थे, ऐसी सुनामी कहीं देख ले रही थी जो बाद में रिजल्ट में कन्वर्ट हुई। आपका क्या मानना है कि चुनाव आयोग ने वाकई में कुछ खेल कर दिया है? की तरह मेरा ध्यान हरियाणा चुनाव में गया था और मैंने 4PM के दर्शकों के साथ आपके प्रोग्राम में इस अपने संदेह को साझा भी किया था कि क्या वहां पर ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग उसकी सफाई क्यों नहीं दे रहा। जब मतदान हो जाता है उसके बाद में 5 बजे फिर 6 बजे तक जितने लोग आ जाते हैं मतदान केंद्र में, तो उसके बाद उनको पूरे वोट डालने दिए जाते हैं, चाहे भले ही समय कितना भी हो जाए, वो 7 बजे तक भी डाल सकते हैं, 7:30 बजे तक भी डाल सकते हैं। तो बाद में जाहिर है कि कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन वो जो बढ़ता है मतदान प्रतिशत, वो उसका नेशनल एवरेज 1-1.5% या 1.25% से ऊपर का नहीं। ऐसा नहीं बढ़ता कि वो 11% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, 8% बढ़ जाए, 9% बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उनके सत्ता में आने के पहले हिस्से को छोड़ दें, तो दूसरा हिस्सा जो 2019 से शुरू होता है, वहां पर ये मतदान प्रतिशत के अंदर हुई बढ़ोतरी बहुत ही अस्वाभाविक लगती है और उसके ऊपर संदेह पैदा होता है। इन चीजों को दस्तावेजी प्रमाण के जरिए साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात पूछने का हम लोगों को पूरा अधिकार है कि ऐसा क्यों होता है। हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में वोट पड़े उस दिन 5 बजे तक चुनाव आयोग ने 1% घोषित किया, उसके 4:45 घंटे बाद उसी दिन रात को 12:45 बजे उसने उस 1% को बढ़ा दिया। उसके बाद मतगणना से 1 दिन पहले उस 1% को और बढ़ाया गया। हालत यह है कि 2 जिलों में तो कुल मिलाकर जो वोटों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई वो 11% तक गई, बहुत से जिलों में 6-7% इस तरह से बढ़ोतरी हुई। तो ये सब चीजें जो हैं वो काफी शक की सुई चुनाव आयोग की तरफ मोड़ देती हैं। अब देखिए, शुरू में आंकड़े नहीं पता थे, लेकिन अब वो आंकड़े सामने आ गए हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। और मैं झारखंड में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ उन दोनों की तुलना भी थोड़ा सा करूंगा, उससे भी बात थोड़ी समझ में आएगी कि हमारे शक की वजह क्या है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में सारे वोट पड़ गए और वो तारीख थी 20 तारीख को 5 बजे शाम को चुनाव आयोग ने 58.22% मतदान घोषित किया। उसी दिन 11:30 बजे 58.22 को बढ़ाकर 65.02 कर दिया। आप सोचिए, यहां पर 7% से ऊपर की बढ़ोतरी हो गई, यहां पर 6.80% की यहाँ बढ़ोतरी उन्होंने कर दी। उसके बाद में तीसरी बार फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाया गया मतगणना से पहले,
और वो कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत 66.05 कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर 7.83% मतों में महाराष्ट्र में बढ़ोतरी हो गई। अब आप झारखंड में क्या हुआ ये देखिए, झारखंड में 13 तारीख को पहला वोट पड़ा, 5 बजे घोषित किया गया कि 64.86% वोट पड़े, 11:30 बजे 66.48% कर दिया गया उसको, और 15 तारीख को फिर वो बढ़ाया गया तीसरी बार 66.65 कर दिया गया। उसके बाद 20 तारीख को फिर वोट पड़े, 5 बजे 67.59% किया गया और 11:30 बजे 68.45% किया गया। इन सबको अगर आप जोड़ें और इसका एवरेज निकालें तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में झारखंड में 0.86% की बढ़ोतरी हुई कि नीचे दूसरे वाले दौर में, और दूसरे वाले दौर और पहले वाले दौर को अगर मिला के हम लोग आकलन करें तो झारखंड में कुल बढ़ोतरी 1.4% की रही मोटे तौर पर। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जहां जिस प्रदेश में चुनाव आयोग ने 1.4% की बढ़ोतरी की, जो कि राष्ट्र इस तरह के मतदान प्रतिशत के ऊपर नीचे होने का कि राष्ट्रीय औसत के निकट राष्ट्रीय औसत के दायरे में आता है, वहां पर अब विपक्ष ने जीत हासिल की, और जहां पे वो राष्ट्रीय औसत को कई गुना ज्यादा पार कर जाता है, जहां 7.83% की बढ़ोतरी होती है, वहां पर सत्ताधारी दल को जबरदस्त फायदा होता है और सत्ताधारी दल की सुनामी आते हुए दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी आधार पर चुनाव की जीत हार का फैसला हुआ है, बहुत सारे कारक हैं और उन कारकों का मैं 4 PM के मंच पर विवेचना एक सीमा तक उनकी विवेचना कर भी चुका हूं। मैं जानना यह चाहता हूं कि ये मतदान प्रतिशत में ये बढ़ोतरी कैसे होती है और क्यों होती है बढ़ोतरी, 3 बार क्यों होती है भाई, 2 बार बढ़ोतरी क्यों करते हैं आप? आपने 5 बजे 1% घोषित किया, उसके बाद आपने देख लिया कि भाई 7 बजे तक कितने वोट और पड़ गए, आप उस मतदान प्रतिशत को जितना हो उसको बता दें, फिर तीसरी बार आप क्यों बढ़ाते हैं, 3 दिन बाद कैसे कहां से वोट आ जाते हैं बढ़ने के लिए, मतलब मेरा कहना यह है। फिर दूसरे एक फॉर्म है 17C, जिसके बारे में चर्चा करते करते मैं तो थक चुका हूं। उस 17C फॉर्म को आप कब देते हैं, जो पीठासीन अधिकारी, कानूनन पीठासीन अधिकारी को मतदान की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद, मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद में 17C फॉर्म जो है वो पार्टियों के जो वहां रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको 17C फॉर्म देना चाहिए अपने दस्तखत और मोहर लगा दे, ये कानून। वो कब देते हैं आप, 5 बजे देते हैं, रात को 11:30 बजे देते हैं, या 3 दिन बाद देते हैं, कब देते हैं आप फॉर्म, देते हैं कि नहीं देते हैं, एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू यह है कि उन्होंने जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने मांगा कि नहीं मांगा, किसने मांगा, बीजेपी वालों को भी चाहिए वो, तो बीजेपी वाले चुनाव हारते भी तो हैं बहुत सी जगहों पर, बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में, हाँ, तो बीजेपी वाले भी मांगते हैं, कांग्रेस भी मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं ये भी पता लगाने की जरूरत है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है ये पूरे मामले को काफी संदिग्ध कर देती है। यहां पर एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि जब मतगणना होती है उस वक्त जो 17C में वोट लिखे हुए हैं उन वोटों से कम निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं, उतने ही निकलते हैं वोट, अपनी चीज यही है, ये भी एक मसला है। इन तमाम मसलों पर गौर किया जाना चाहिए, बिना इन मसलों पर गौर किए हुए चुनावी प्रक्रिया को, जिसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, वो स्थापित नहीं हो पाएगी बात। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चुनाव संदेह के घेरे में रहेगा, विपक्ष जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते, कोई भी जीते, हर चुनाव संदेह के घेरे में रहेगा, और धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनेगी कि लोग विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। देखिए बहुत ज्यादा वहां तक पहुंच चुका है मामला, बगावत का, जिसे पॉइंट ऑफ रिबेलियन कहते हैं ना, मतलब बगावत का मामला, ब्रेकिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, एक हॉलीवुड की मशहूर फिल्म है ना ब्रेकिंग पॉइंट, है तो ब्रेकिंग पॉइंट तक मामला जो है वो पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने अभी, खड़गे जी ने संविधान दिवस पर जो कहा है वो आपको ध्यान ही होगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अब वो मुहिम क्या होगी, कैसी होगी, बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन इसकी सुगबुगाहट होने लगी है, क्योंकि गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में, हम और आप बैठे हुए सोशल मीडिया पर ये बातें बोल रहे हैं,
मैं अखबार में भास्कर में लेख भी लिख चुका हूँ, मुझे इसके बदले में जाने कितनी गालियां भी मिल चुकी हैं कि आपने क्या जाने कितनी गालियां मिल। मैं सोशल मीडिया पर हूँ, ईमेल पे हूँ, ईमेल इतनी लंबी लंबी लोगों ने गालियां लिख के दी है उसके अंदर है, पता नहीं क्या क्या। एक ने यह भी लिखा है कि तू नाम कहीं दुबे है, तू ब्राह्मण है ही नहीं, बस इस प्रकार की बातें भी उसमें लिख के आई उसके अंदर। तो ये हालत है, ये गैन न केवल हम लोगों के पाले में है बल्कि विपक्ष के पाले में भी है, न केवल चुनाव आयोग के पाले में है बल्कि विपक्ष के पाले में भी है कि भाई आप विपक्ष वाले कर क्या रहे हैं। देखिए कांग्रेस को एक सुझाव दिया गया था, उनके दोस्तों ने सलाहकारों ने सुझाव दिया था कि आपने जितने भी आपके पोलिंग एजेंट होंगे उनको आप ये हिदायत दीजिए कि वो सुनिश्चित करें कि मतदान प्रक्रिया के बाद 17C फॉर्म उन्हें मिले, सारी कानूनी प्रक्रियाओं को उसमें पीठासीन अधिकारी ये दस्तखत हो, मोहर हो बाकायदा, और दूसरे पोलिंग एजेंट हैं उनके भी साइन हो उनके ऊपर, वो 17C फॉर्म आपको मिले, और जैसे ही आपको फॉर्म मिले उसको आप पब्लिक डोमेन में डाल दें, ठीक है, ताकि जनता को पता चल जाए कि इस पोलिंग इस मतदान केंद्र पे आपको कितने वोट मिले, खत्म हो इस मतदान केंद्र पे कुल कितने वोट पड़े। सही है, पूरे जिले की पोलिंग गड़बड़ होगी तो पकड़ जाएगी बात, और उससे आपको अदालत में जाने में भी सुविधा होगी, आपको चुनावी याचिका दर्ज, सब चीज में सुविधा होगी आपकी, कांग्रेसियों ने किया ही नहीं है, ये सोचते रहते हैं कांग्रेस तैयार करते रहते हैं कि हारेंगे, चुनाव हारने के लिए तैयार है, ये करने के लिए तैयार नहीं है, जरा सा काम नहीं है। देखिए अगर 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 आप मान लें कि महाराष्ट्र में 500,000 पोलिंग मतदान केंद्र थे तो 500,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको 500,000 कांग्रेसी हमें, मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने मतदान केंद्र थे, मैं अंदाजे से कह रहा हूं अगर 2.5 लाख थे तो इतने लाख आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहिए, सतर्क प्रशिक्षित कटिबद्ध, वो चाहिए जुझारू जो वहां लड़के 17C फॉर्म ले, इसी तरह झारखंड में चाहिए। अच्छा अगर आप गठजोड़ से लड़ रहे हैं तो आपको फिर कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सबको मिलाकर इतने लाख कार्यकर्ता चाहिए, जहां जिसका उम्मीदवार लड़ रहा है वहां उसका पोलिंग एजेंट होना चाहिए ताकि वो लड़के 17C फॉर्म ले सके, तो ये कोई आसान काम नहीं, इससे पहले इतने लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी इनको, शिविर लगाना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा होगा, ये ऐसे बीजेपी के पास है राहुल गांधी की नागरिकता ही रद्द करने का प्लान कर रही है, हाई कोर्ट में एक रिट हुई कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और केंद्र सरकार ने कल ही अपना एफिडेविट दाखिल किया कि 19 दिसंबर को फैसला हम लोग फैसला करेंगे इस याचिका पर, यानी 19 दिसंबर को ये फैसला हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द की जाए या संसद में जो सदस्य हैं वो संसद तक खत्म की जाए। ये केंद्र सरकार इस पर प्लानिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसने एफिडेविट में कहा है, ये क्या खेल क्या है? कई बार ये मुद्दे उठते हैं फिर दब जाते हैं, लेकिन अखबार पहली बार, ये बहुत पुराना मसला है, इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, और जिस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था उसके बाद मेरे संज्ञान में ये मसला लाया गया था मेरे एक मित्र द्वारा, तो उस वक्त मैंने वो दस्तावेज भी देखा था, एक ब्रिटिश दस्तावेज है, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जिसमें राहुल गांधी शेयर होल्डर थे या उसके कुछ साझेदार थे, किसी जमाने में रहे थे, उसमें राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है और नीचे उसमें उसका ब्रिटिश पता लिखा हुआ है और उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप के तौर पर दिखाया गया है उसके अंदर। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो दस्तावेज उस वक्त से पहले का है जब राहुल गांधी ने संसद सदस्य बनने का मन बनाया और चुनाव लड़ने का मन बनाया, ये उससे पहले का दस्तावेज है। ये असंभव है कि राहुल गांधी, ये पहली बात तो मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे कि नहीं, कभी थे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केवल दस्तावेज के देखने से मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो कभी ब्रिटिश नागरिक थे, और अगर ब्रिटिश नागरिक रहे भी होंगे, बहुत से लोग हैं ऐसे भारत के जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं है। अभी अक्षय कुमार जो नरेंद्र मोदी के इतने बड़े भक्त हैं उनका इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू लेते समय वो भारत के नागरिक नहीं थे, उन्होंने भारत की नागरिकता भी बाद में मिली है, इंटरव्यू लेते समय जब वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर देशभक्त की पींगे ले रहे थे उस वक्त वो भारत के नागरिक नहीं थे,
तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब राहुल गांधी ने चुनाव के लिए पर्चा भरा उस वक्त उनकी नागरिकता की हैसियत क्या थी। अगर उस वक्त भी वो ब्रिटिश नागरिक थे तो अभी ये बात केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में है शुरू से, और इसको सबसे पहले पब्लिक डोमेन में सुब्रमण्यम स्वामी लाए थे और उन्होंने ट्वीट किया था, दस्तावेज भी उन्होंने उसके अंदर डाला था, सब कुछ सब लोगों को पता है, कोई सीक्रेट बात नहीं है, बहुत और बहुत दिनों से ही बात पता है। यह संभव है कि अमित शाह को ना पता हो, यह संभव है कि भारत की जांच एजेंसियों को बात ना पता हो, असंभव है कि बीजेपी वालों को ये बात ना पता हो, और ये बहुत लंबे अरसे कई साल से ये बात पता है। अगर इस बात में जरा भी कोई दम होती तो अभी तक तो राहुल गांधी के लोगों ने मिलकर परख उड़ा दिए होते। तो मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। अच्छा, और इसमें अगर दम होती तो अभी तक जाने कितने रोज टीवी पे प्रोग्राम हो रहे होते, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता। सही बात, तो ठीक है, किसी ने याचिका डाली है, उसके ऊपर याचिका डाली है तो एक बार अदालत इसको खारिज भी कर चुकी है। इस बार किसी और कानून के तहत कौन उसमें ऐसी बातों में दिमाग खपाए है, तो वो कौन उसमें दिमाग खपाए, कोई वकील हो दिमाग खपाए, इसमें पहले कौन से कानून की तहत डाली थी, अब कौन से कानून की तहत डाली है, तो इस पर देखिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत गंभीर मसला है। बिल्कुल ठीक बात है। और उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेके शिंदे जी के नाटक खत्म नहीं हो रहे। शिंदे दिल्ली आए, बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से फडणवीस का नाम फाइनल बीजेपी संघ कर रहा है और शिंदे जो नाटक कर रहे हैं, शिंदे के इस नाटक के पीछे क्या लगता है कि शिंदे ने सबसे बड़ी गलती ये की, उन्होंने भारतीय ये मान लिया अमित शाह के दबाव में आके कि भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर चुनाव लड़े, भाई उस वक्त शिंदे क्यों ये मान गए। अगर शिंदे वही बार्गेनिंग करते जो कांग्रेस के साथ में सौदेबाजी राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने की, जिसमें लोगों के बीच में 5-7 सीटों का ही फर्क है केवल तीनों के बीच में, वहां क्या है कि भाजपा 148 सीटों पर लड़ रही है, ये लोग बहुत बहुत पीछे है भाजपा से। तो ऐसे में जाहिर था जब चुनाव उन्होंने जम के जीता तो भाजपा की सीटें हो गई बहुत। तो अब शिंदे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकते। हालांकि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तीनों को दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली में उनको बता दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा होना है, फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना है और आप उप मुख्यमंत्री वगैरह रहेंगे, और तीनों के बीच में सीटों के मुताबिक मंत्रालयों का बंटवारा होगा। तो इसमें भी ये लोगों को बहुत पीछे रह जाना है, क्योंकि भाजपा के पास तो 133 विधायक हैं, तो भाजपा के पास मंत्रालय भी बहुत ज्यादा होंगे, इनके पास मंत्रालय भी बहुत कम होंगे। तो इस बात को लेके शिंदे को बर्दाश्त नहीं हुआ और शिंदे ने मुंबई लौट के फिर से पेशबंदी शुरू कर दी। उन्होंने पहला काम ये किया कि अजित पवार के विधायकों से संपर्क किया और उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आप हमारा समर्थन कीजिए, हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे, हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, सारी योजनाएं हम ही ने बनाई हैं, सब जगह हमारा ही चेहरा था, मैं मराठा भी हूँ और अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होगा उसको जीतने में हमें आसानी होगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी लड़ाई तो उसी समय हार गए थे जब ये मान गए कि ये बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरे शिंदे ये भी जानते हैं कि इसके अंदर केवल महाराष्ट्र की सत्ता का ही सवाल नहीं है, केंद्र की सत्ता का भी मामला जुड़ा हुआ है। केंद्र में जो अगर शिंदे हटते हैं इस गठजोड़ से तो उसके साथ में 7 MP भी हट जाएंगे, या तो वो शिंदे को धोखा देंगे भाजपा में चले जाएं, या वो हट जाएंगे। अगर सातों के सातों MP भाजपा में चले जाएं तो उसको दल बदल भी नहीं माना जाएगा। तो ये आराम से हो सकता है सातों MP भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, बहुत उखाड़ पछाड़ करनी पड़ेगी, बड़ी बदनामियां होंगी इससे। तो भाजपा इससे बचना चाहती है, ऐसा करने की नौबत ना आए, इसलिए वो दूसरे विकल्पों में विचार नहीं हो रहा है। इसलिए अब देखने की बात, मुझे तो लगता है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इन लोगों को उप मुख्यमंत्री पद पे संतोष करना पड़ेगा और कम मंत्रालय भी उनको पहले के मुकाबले कम मिलेंगे। अच्छा शिंदे, जिस तरह ये पवार के विधायकों पे चारा डाल रहे हैं, पवार के विधायकों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों खेल होगा, क्यों कर रहे हैं शिंदे? नहीं, उसका भी कुछ नहीं होगा। अगर मान लो पवार के, अच्छा कल्पना कीजिए सारे पवार के विधायक शिंदे के साथ चले जाए, पवार के कभी क्या होने वाला है, उनकी संख्या तो नहीं बढ़ेगी उसकी।
आप मान लीजिए ये आपके जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके विधायक शिंदे के साथ चले जाए, उसके विधायक शिंदे के साथ क्यों जाएंगे? उन्हें जाना होगा तो बीजेपी में जाएंगे। भाई शिंदे के साथ जाने में क्या फायदा है? उनको जाना होगा तो बीजेपी में जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में अजित पवार ने पहले ही बीजेपी को और फडणवीस को समर्थन दे दिया है। अजित पवार शिंदे से बहुत खुश नहीं है, शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो अजित पवार का उन्होंने कई बार अपमान किया है, ये कहा इस व्यक्ति के साथ बैठ के तुम मुझे उपकाई आती है। कैसे रहे होंगे एक ही जगह, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में इस तरह की भाषा मुझे उपकाई आती है? ऐसे ही राजनीति इसी तरह चलती है। राजनीति तो बहुत ही नाशुक्रा किस्म का खेल है, और इसमें बिल्कुल जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंज बैट फेलोज, तो ऐसे लोग भी एक साथ बैठते हैं, सरकार चलाते हैं। ऐसा आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, कैसे बनाया होगा? कैसे रहे होंगे साथ साथ? यहाँ तक बीजेपी की जिन मीटिंगों में तय होता था कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाओ तो झगड़ा हो जाता था उसमें। जैसे एक उसमें खड़े होकर कहता था, उसमें मैंने तो लिखा भी है अपनी किताब में कि मायावती 250 करोड़ का करप्शन करेगी, तो मुरलीधर जोशी कहते हैं 250 का नहीं 500 करोड़ का करप्शन कर ले, लेकिन हम मुलायम सिंह को नहीं मुख्यमंत्री बनने देंगे। इस प्रकार की चर्चाएं होती नहीं उसमें, बताइए ये सब बात होती है कि चाहे 250 करोड़ का कर ले लेकिन 500 का कर ले लेकिन मुलायम सिंह को नहीं मुख्यमंत्री बनने देंगे। क्या क्या होते हैं राजनेताओं के बीच, चमड़ी कितनी मजबूत होती है, एक दूसरे का इतना विरोध करते हैं फिर इतना समर्थन कर लेते हैं, कोई फर्क? वो अलग ही किस्म की नस्ल है, वो हम लोग नहीं बन सकते। वो देखिए वो अलग ही किस्म की नस्ल है। भाई आपने अपने किसी दोस्त को कोई वायदा कर दिया तो आप लगातार सोचते रहेंगे भाई हमने वायदा नहीं पूरा कर पाया, कितना बुरा लग रहा होगा उसको, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सब वहां पर राजनीति में इस तरह से नहीं सोचा जाता। जिसको बुरा लगे जिसको अच्छा लगे ठेंगे से। गजब 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 दुनिया। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के इस उठान के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद, संघ भी चाहता है, बीजेपी भी चाहती है फडणवीस, यानी एक ब्राह्मण चेहरा, तो संघ का प्रमुख भी ब्राह्मण होगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, वो जो पिछड़े दलितों की बात की जाती है, ये सब कहां चले जाएंगे? बीजेपी की थीसिस अलग तरह है, बीजेपी की थीसिस समानता की नहीं है, बीजेपी की थीसिस समरसता की है। आप इन दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों के मतलब अलग अलग है। समानता का सिद्धांत जो है वो प्रतिनिधित्व यानी नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत से निकलता है। यानी समानता का मतलब यह है कि सबको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और उनकी संख्या के मुताबिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जो नारा है ना, लो यार जिसकी इतनी संख्या आ रही उसकी उतनी भागीदारी वगैरह वगैरह, इसको ये समानता का सिद्धांत है। बीजेपी का सिद्धांत ये नहीं है, और वो खुला हुआ है, कुछ छिपी हुई बात नहीं है, लिखा हुआ है, वो लोग उसी पे चलते हैं। समरसता, सब में समान रस बह रहा है। हमारी पार्टी में आइए, समरस हो जाइए सबसे। ब्राह्मण को दलित के साथ समरस होना है, ओबीसी को दलित और ब्राह्मण के साथ समरस होना है, सबको समरस होना है। और उस समरसता में कोई भी शीर्ष नेता हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ नुमाइंदगी मिल जाएगी। तो ये भी होता है, बीजेपी बताया जाता है कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने विधायक, इतने ओबीसी हैं, इतने दलित हैं, ये सब भी बताया जाता है। और साथ में नेतृत्व देने के मामले में इन चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता कि ओबीसी को ही नेतृत्व मिले या दलित को ही नेतृत्व मिले, इस प्रकार का बीजेपी में प्रथा नहीं है। अब आप देखिए ना, उन्होंने हरियाणा में उन्होंने एक पंजाबी व्यापारी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्होंने एक ब्राह्मण को बनाया, फडणवीस को पहले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बना चुके हैं फडणवीस को, जबकि केवल 2 ही बार मनोहर जोशी 1 बार बने हैं शिवसेना के मुख्यमंत्री ब्राह्मण और फडणवीस बने हैं, वरना बाकी सब मराठा लोग ही, मराठा नेता ही मुख्यमंत्री बनते रहे मध्य प्रदेश के। और इधर देखिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने यादव को बनाया। तो भाई बीजेपी जिस तरीके से नेतृत्व सौंपती है लोगों को, उसके अंदर जो विचारधारात्मक उसूल है वो अलग तरह का उसूल है, और इसीलिए बीजेपी किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है।
ऐसा नहीं कह सकते कि आप बीजेपी बीजेपी मानती है कि उसको कम से कम इस रूप में देखा जाए कि अब एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। ठीक बात है। और लेकिन वो देखिए ना, राजस्थान ब्राह्मण, उससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश ठाकुर, उससे लगा हुआ उत्तराखंड ठाकुर, एक सिरे से ऊंची जात। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि जब फडणवीस का इतना उन चढ़ाव होगा, इतना चढ़ रहे होंगे ऊंचाइयों पे, तो गडकरी का क्या हाल होगा? नहीं, देखिए गडकरी को पता है कि वो राजनीति में कहां तक पहुंच चुके हैं और कहां तक जाना है। मुझे नहीं लगता गडकरी किसी किस्म की इसमें गलतफहमी है। फडणवीस जैसे ही चुनाव जीते वो सबसे पहले गडकरी के घर गए और उन्होंने वहां जाके उनके पैर छुए गडकरी के, उनका आशीर्वाद लिया, फूलों का आदान प्रदान हुआ, तस्वीर खींची, पैर छूते हुए अखबारों में तस्वीर भी छपी है। ये सब काम हो चुका है और गडकरी ने उनको अपना आशीर्वाद वगैरह सब देना था वो सब दे दिया, क्योंकि इसके अलावा ना गडकरी के सामने चारा है कुछ नहीं, और अब ये तो करना ही करना है। इज्जत बची हुई थी, इज्जत बचा ली, वह पैर छू के। राजनीति में जो पैर छूते हैं वही पैर खींचते भी हैं, ये भी कहावत कही जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातचीत की जानी। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत सुनी है आपने, मुझको यकीन है आपको पसंद आई होगी, अपनी राय साबित करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।